आजादी की 75वीं सालगिरह हर भारतवासी के लिए खास होने जा रही है। इस मौके को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। इस अभियान की सफलता तथा इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ब्रह्मकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान देश भर में संस्थान से जुड़े सभी सदस्य, चाहे घरों में रहने वाले हों या फिर सेवा केंद्रों पर, 13 से 15 अगस्त सभी अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं। 13 तारीख से 15 तारीख हर ब्रह्म कुमार कुमारिया अपने अपने सेंटरों पर और क्लास में आने वाले सभी भाई बहनों को अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, अपने घर में अपने अलग अलग सेवा क्षेत्रों पर इस भारत की झंडा लहराकर हम भारत वर्ष का उज्जवल भविष्य के लिए कामना करना और देश प्रेम का प्रकट करना, देश की नागरिक होते हुए हमारा कर्तव्य को पहचानना और झंडा का सलाम करना माना अपना आप को गौरवशाली बनना। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने भी सभी सेवा केंद्रों तथा संस्थान से जुड़े सभी सदस्यों को सर्कुलर जारी कर इसमें भागीदार बनने का आह्वान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड यानी तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव भी किए हैं। अब तक तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के डिस्प्ले पिक्चर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा लगाने का आग्रह किया है। आप सभी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अवश्य लगाएं और देश की 75वीं आज़ादी के जश्न का हिस्सा बने। मधुबन न्यूज आपसे अपील करता है कि यदि आप ये खबर देख रहे हैं तो इसे जरूर अमल में लाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़िए और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।